एलसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, लग्ना सटी कोट पैंट एंड शेरवानी, मोदी जैकेट, ब्रांडेड रेमंड, अरविंद एंड जे हेम्स्टेड, रेड एंड टेलर शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर पोलिस स्टेशन मालेगाव। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। वही जो सत्कार करना चाहते हैं वही आए ऊपर। मालेगांव के बड़े बेहतरीन प्यारे सनतकार हाजी यूसुफ इलियास साहब और हाजी यूसुफ इलियास साहब, डॉक्टर अरशद साहब, कॉर्पोरेटर तनवीर साहब, हाजी शकील साहब, अनीस सेठ साहब, वाले भैया भी है कभी थोड़ा आगे से थोड़ा दब जाओ, कॉर्पोरेटर धर्मपन्ना जी भामरे, सूफी अनीस अहमद कादरी साहब, खाना खाने वाले साहबान टेबल पे बैठे हो, जो रह गए हो इधर वेटिंग में आकर बैठ जाए। आप खाना स्टार्ट कर दिया जाए क्योंकि तरावी का वक्त हो जाएगा, ऐशा का वक्त हो जाएगा, लोगों को दूर दराज जाना, खाना शुरू कर दीजिए। हमारे गांधी नगर अयूब नगर अमनपुरा से हमारे लाइट बॉस, हमारा बेटा है लेकिन क्या करें, बॉस बोलना पड़ता है, बॉस बोले तो बड़ा बाप पिता समान, हमारे डॉक्टर आरिफ अंजुम साहब, बड़े बेचारे हैं रही सितारा साहब डॉक्टर आरिफ अंजुम की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारे फतेह मैदान से हारून भैया, साबिर भैया, उस खानदान से भी साहब, भाई हमारे लियाकत हुसैन सहदा साहब, लियाकत हुसैन सहदा साहब आ जाए, भाई शफीक एंट्री करो, हमारे इम्तियाज गांधी साहब, कॉर्पोरेटर अयाज हलचल साहब, गांधीनगर के किंग ग्रुप, बेहतरीन बेस्ट और प्यारा ग्रुप गांधीनगर का किंग ग्रुप, हमारे हाशिम भैया, हाँ हाँ बोलो, हेलो भाई, आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है, हम लोगों ने आगे भी वेटिंग के लिए कुर्सियां लगाई है और पीछे भी वेटिंग के लिए कुर्सियां लगाई है, तो खाना शुरू हो चुका है, तो बीच में जो बांटने वालों को जो है बहुत बराए मेहरबानी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट की है, माहौल आपका है, दस्तरखान आपका है, पार्टी आपकी है, ये पूरा इंतजाम आपको करना, जाबिर शाह यही कहना चाह रहे हैं, बहुत सारी कुर्सियां वेटिंग के लिए खाली पड़ी है। हमारे हनीफ बकादम साहब, सोहेल सेठ साहब, सोहेल सेठ का दो टाइम नाम ले लेता हूँ इसलिए कि सेठ है वो, और रमजान महीना भी है, अशफाक मुकादम साहब, सिराज राही साहब, और स्वागत आगे बैठो, आगे बैठो, वही हमारे फिरोज आजमी साहब, कुल जमाती तंजीम के दिगर सारे जिम्मेदारान जो है, किला तहरा ग्रुप के जो है, नीचे करना, कल की अफ्तार पार्टी हमारे भाई, हमारे 72 ग्रुप के दिगर सारे नौजवान वो भी यहाँ आए हैं। अच्छा, आगे और पीछे स्टेज के सामने और गेट के पास और वहीं हमारे राजू मास्टर साहब, ये भी सब शुभकामनाओं के साथ, भाई कुरैशी मंडप यहाँ नहीं बल्कि मॉडल के सब ग्रुप वाले आ जाए। Thank you.
इकराम के साथ इस बात का ऐलान करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजा इफ्तार कर लिया गया, नमाज अदा कर ली गई। ये पीछे की समत आप यहाँ इस वक्त मंच है उसके पीछे की समत उस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल आगे फ्रंट में खाने का तरीके पर इत्तेमाम इंतजाम किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ और वेटिंग में आकर के बैठ जाए बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे दरमियान हमारे बहुत मोहतरम अशफाक आजम साहब, शोएब भाई के भाई और दीगर सभी साहबान ने यहाँ तशरीफ फरमा है। कारपोरेटर धर्मान्ना भाबरे साहब बड़ी मोहब्बतें लेकर के चाहते लेकर के एवर ग्रीन कारपोरेटर यहाँ तशरीफ फरमा है, उन्हें भी खुशामदी। पुस्तिका के बारे में बात रखी, ये अपने लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदुस्तान अनेकता में एकता और यही अनेकता में एकता विविध भाषा में विविध जाति धर्म में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती है। और वो जो बातें किसी को हिंदी आती है, किसी को उर्दू आती है, किसी को मराठी आती है, लेकिन इस रमजान के क्या वो अच्छे अच्छे फायदे हैं, रोजा रखने के क्या अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, परवरदिगार की मेहरबानी होती है, रोजा कैसा करना चाहिए और इसके क्या फायदे, ये अपने आज की इस इफ्तार पार्टी के मौके पर परिंदे भाई तो परिंदे कभी मस्जिद पर जा बैठे तो कभी मंदिर पर जा बैठे। हमसे तो बेजान जानवर अभी तो गर्मी का मौसम तुम्हारे हमारे रोजा इफ्तार पार्टी के इस मौके पे सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह ताला अपने मालेगांव शहर में सुख शांति और तरक्की प्रदान करे, आपको सभी की आप सभी की दुआ कबूल हो, ऐसी परवरदिगार को भगवान को राम रहीम को प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।